हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है कोलकाता सिटी राइडर, मेरा नाम है बीजू और आज जहां मैं जा रहा हूं वहां मैं पहले भी बहुत बार जा चुका हूं। एक्चुअली मैं जा रहा हूं छुट्टी पार्क जो कि है चंदन नगर, और इस बार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ आर्या है, मेरी वाइफ है, तीनों एक साथ निकल रहे हैं। अभी फिलहाल चलते हैं, बाकी की बातें आपको मैं राइट पे बताता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हो, मैं निकल चुका हूँ अपने घर से चंदन नगर, जो पार्क है छोटी पार्क, और उसके पास में न्यू दीघा पिकनिक पार्क जो है, उन दोनों में घूमने के लिए। पहले मैं वहाँ पे 3-4 बार जा चुका हूँ, तो जो छोटी पार्क है वो आप टोटली बोल सकते हो एक कपल जो पार्क होता है वो उसके लिए है, और जो उसके बगल में जो न्यू दीघा पिकनिक जो पार्क है वो आपको फैमिली पार्क उसको बोल सकते हो, क्योंकि वो उस पर आपको पिकनिक करने का छूट मिलता है और पिकनिक आप कर सकते हो उसमें। हाँ, तो दोस्तों छुट्टी पार्क जो है वहाँ पे आप लोग आओगे कैसे, वो लोकेशन मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले मैं बता दूँ कि आप बाय ट्रेन से अगर जाओगे तो आपको हावड़ा से बैंडेल लोकल, उसके बाद आपको बर्धमान मेन लाइन वाला लोकल और इधर पंडुआ लोकल, तो ये 3-4 जो लोकल है आपको चंदन नगर स्टेशन में उतरना है पकड़कर, और उसके बाद वहाँ से आपको ऑटो के ज़रिए आपको बोलना पड़ेगा कि छुट्टी पार्क, वहाँ पे दो पार्क है उसका दो ऑटो चलता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे छुट्टी पार्क जाना है, वरना फिर आपको वहाँ पे एक पास में एक पार्क पड़ता है, आपको वहाँ पे ले जाके छोड़ा जाएगा अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो, क्योंकि सब ऐसे हाथ दे के बुलाता है आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा कि छुट्टी पार्क वाला कौन सा ऑटो है। तो ये हो गया आपको बाय, आप लोग अगर इससे जाओगे ट्रेन से, और अगर आप लोग बाय रोड आना चाहते हो मेरी तरह राइड कर कर, अगर आपके पास बाइक हो कार हो तो बाय रोड, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो जो दो रास्ता मुझे मैप में दिखाया था, एक है आपको पूना एक्सप्रेस वे हो के उसके बाद दिल्ली रोड पकड़ के, ये अभी मैं जा रहा हूँ, तो जीटी रोड है हावड़ा का, जो जीटी रोड है वहाँ से आपको लेके जाता, तो दोनों रास्ता में से बोलने से ये रास्ता थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये रास्ता मुझे शॉर्टकट दिखाया था, और वो रास्ता सिंगल है तो आपको वहाँ पे थोड़ा तकलीफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो एक साइड से ही रास्ता आना जाना वो जीटी रोड वाला, हावड़ा जीटी रोड का। तो अगर आप कोलकाता से आ रहे हो मेरी तरह तो आप इसी तरीके से आइए, आप सेकंड हुगली ब्रिज पकड़ कर और कोना एक्सप्रेस पे होके दिल्ली रोड पकड़ लीजिए। सो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं आपका चंदन नगर छुट्टी पार्क जो है वहां पे, तो आपको अभी मैं दिल्ली रोड छोड़ रहा हूं, दिल्ली रोड से मैं अभी लेफ्ट टर्न लेके, ये जो रोड है ये है भोला रोड, तो बस यहाँ से ज़्यादा नहीं है और 600 मीटर है, तो आपको जो दो पार्क है छुट्टी पार्क और न्यू दीघा पिकनिक जो पार्क है चंदन नगर का, वो आपको मिल जाएगा। मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा आप लोगों को कि आप लोग अगर राइड करके आते हो, अगर आप कलकत्ता से हो तो कभी भी हावड़ा वाला रास्ता मत लेना, वो जीटी रोड, और ये जो ऑटो देख रहे हो ये सब वहीं पार्क के सामने से छोड़ा जा रहा है, और ये सब चंदन नगर स्टेशन जा रहा है। ये रहा, एक तो ये है और एक ऑपोजिट पे है। तो अभी सबसे पहले तो मैं बाइक लगा दूं, फिर आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं बाइक लगाया हूं, ये छुट्टी पार्क का पार्किंग है वहां पे मैं लगाया हूं, और उस साइड में आपको, उस साइड में है आपको न्यू दीघा
पिकनिक जो पार्क है वो है, भी पार्किंग का स्पॉट है और उसका भी पार्किंग का स्पॉट है, और पास में एक चिल्ड्रन पार्क है तो उसका भी पार्किंग का स्पॉट है। तो आप कहीं पे भी लगा के किसी भी तरफ आप जा सकते हो। तो अभी मैं चार्ज पूछता हूँ कि कितना है। कत गो बाइक और तो हमें करब एटा कत बाइक पार्किंग 10 টাকা কতক্ষণ साढ़े छोटा जो तो खुन पार्क टा खुला चे तो खुन। अच्छा ये दोस्तों देख लो, ये पहले हम लोग जब आया था तब ये नहीं खुला था, तो अभी खुल चुका है। ये है डिज्नीलैंड पार्क और टिकट का जो है वो है 20 रुपया, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ है, आप पॉज करके देख लेना। यहाँ पे VIP रूम भी मिल रहा है, तो सबका चार्ज लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके देख लो। और मैं अभी फिलहाल तो टिकट काट रहा हूँ पर पर्सन 20 रुपया करके। बच्चा दी तो अभी तो दो जन ताले दो दिए दिन। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो जहाँ से मैं पैदल चल रहा हूँ, ये इसका एंट्री पॉइंट है। तो ये एकदम मेरे पीछे वहाँ से आपको इंटर करना है और ये सीधा आपको पार्क तक लेके जाएगा जहाँ से मैं जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ और देखते हैं अंदर में क्या क्या है एक्टिविटी करने के लिए। तो जो भी होता है आपको मैं बताता हूँ। और अंदर में आपको एक दुकान मिलेगा स्नैक्स का, तो आप यहाँ से पानी ठंडा, आपको स्नैक्स, बिस्कुट, केक सब कुछ मिल जाएगा। तो आप अगर खाली हाथ आते हो तो यहाँ से आप कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान आप लोग यहाँ से कैरी कर सकते हो और खरीद सकते हो। तो ये है दोस्तों पार्क का अंदर का नज़ारा। अभी मैं पार्क का बीचों बीच में खड़ा हूँ। तो आपने जो अभी राइड देखा है 3-4, वो एक्चुअली में है यहाँ पे अवेलेबल है। और ये हम लोग का बोटिंग तैयार हो रहा है। हाँ आ जा। तो अभी देख लो हम लोग सब फाइनली बोटिंग में बैठ चुका है। और ये जो है वैसे टाइम देखा नहीं अभी यार, 4:45। चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाटा। पैडल मार, तो जाएगा कैसे, पहले पीछे मार। हाँ पहले उल्टा मार। तो ये पैडल है, पैडल के जरिए हम लोग अभी पीछे जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि आर्या ने काफ़ी इंजॉय किया, आर्या ही नहीं हम लोग सब मिलके ही काफ़ी इंजॉय किया। आर्या ने कुछ ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि वो 2-3 राइड को इंजॉय किया है और हम लोग तो सिर्फ बोटिंग किए। सो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और वक्त हो रहा है शाम का 5:25 हो रहा है। तो बस आप लोग भी अगर यहाँ आइएगा तो काफ़ी इंजॉय कर पाइएगा। ये थोड़ा आउटसाइड में है पार्क, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता नहीं है। तो आप संडे को भी आप आ सकते हो फुल फैमिली। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल का आइकन ज़रूर दबा देना। और मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।